हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माय टीम 11 की जो नई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, अब से आप जो है 10 टीम बना सकते हो। तो कब से आप 10 टीम बना सकते हो और क्या क्या हर लीग में 10 टीम लगा सकते हो, सारी की क्वेरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने अभी तक माई टीम 11 ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। पहले आपको 50 रुपीज़ का कैश बोनस मिलता था, अब आपको जो है अगर आप मेरे रिफ़र कोड या फिर से ज्वाइन करोगे तो आपको जो है यहाँ पे 100 रुपीज़ का कैश बोनस मिलेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो 100%। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने रेगुलर जो भी माई टीम 11 की जो सर्विस है या फिर कोई भी अपडेट है मैं आपको हमेशा से बता रहा था, तो अब जो नया फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इंग्लिश पे लिखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है आप जो है अभी जो है 6 टीम ही बना सकते हो, लेकिन बाद में आप 10 टीम बना सकते हो। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है वो, अगर आप किसी भी 100 मेंबर की लीग में आप जो है 6 टीम जो है यहाँ पे लगा सकते हो, 10 टीम तो बना सकते हो लेकिन लगा सिर्फ 6 टीम सकते हो, अगर कोई 100 या फिर 100 से नीचे की लीग है, मेंबर की लीग है। अगर 100+ की अगर कोई भी लीग है उस पर आप जो है 10 टीम लगा सकते हो और 10 टीम आप बना भी सकते हो। तो ये हुआ पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ जो है 17 सितंबर को, तो ये जो 17 को भी काम नहीं करेगा और 18 को भी नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे ऑफिशियली इन्होंने बताया है कि 19 सितंबर से जो है ये नियम जो है चालू होगा। तो अगर चालू आपके एप्लीकेशन पे नहीं हो रहा है तो आप जो है माई टीम 11 पे जाइए, आपको अपडेट कर लीजिए। न्यू वर्सन का शायद वो लोग ऐप लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पे अपडेट करके आप जो है 10 टीम बना सकते हो। 10 टीम बना के जो है आपको, मुझे लगता है 10 टीम बहुत ही ज़्यादा होता है, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप 10 टीम बना के अब जो है ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर से यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सिर्फ सेफ प्ले या फिर रेगुलर प्ले पे नहीं, आप दोनों ही मोड पे जो यहाँ पे जो है 10 टीम बना के यहाँ पे अच्छा से अच्छा यहाँ पे विन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और ऊपर से यहाँ पे एक और ऑफर चल रहा है जो कि पेटीएम की तरफ से है, अगर आप जो है यहाँ पे ऐड करोगे पेटीएम के थ्रू तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कैश बोनस भी मिलेगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब भी कोई माई टीम 11 से रिलेटेड न्यूज़ आती है मैं आपको जो है सबसे पहले अपडेटेड करता हूँ और आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख देना। तो अब मैं कुछ जॉब के फ़ायदे और नुकसान के बारे में मैं आपको बात कर लेता हूँ। तो जो लोग ज़्यादातर ग्रैंड लीग खेलते हैं वो बहुत सारे लोग हैं जो कि हमेशा सिक्स टीम, अगर आप किसी की भी नाम देखो यहाँ पे, अगर मैं ग्रैंड लीग ओपन करूँ तो यहाँ पे मैंने अगर खोल दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हरियाणा हरमल लिखा हुआ है, इन्होंने जो है यहाँ पे 3 टीम लगाया हुआ है। ऊपर से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आज़ाद हिंदुस्तानी 6 टीम, ये लोग जो है रेगुलर बेसिस पे जो है एक मैच के लिए 6 टीम लगाते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए। अब वो क्या करेंगे, अब वो 10 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब इनके जीतने के चांसेस जो है 1 से लेके 2% चांसेस जो है बढ़ गए। ठीक है, तो क्योंकि वो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये हो चुका है फ़ायदा आप लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीम लगाते हैं। लेकिन ऐसा क्या, जो लोग जो है एक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने 1 टीम लगाया हुआ है, इन्होंने जो है मैक्सिमम 2 टीम लगाया हुआ है, इन्होंने 1 टीम लगाया हुआ है, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो लोग अब 6 टीम लगाते थे वो अब ज़रूर जो है 8 से लेके 10 टीम ज़रूर लगाएंगे ग्रैंड लीग में। तो इससे जो है जो लोग 1-2 टीम लगाते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन फ़ायदा भी यही होगा कि अगर कोई प्लेयर अगर टेन टीम लगाने की कॉम्बिनेशन पे जाए, ठीक है, आप भी अगर कभी कोशिश करना कि आपको अगर 10 टीम बनानी है तो आप क्या करोगे, हर टीम में कहीं ना कहीं रिस्की प्लेयर लोगे, हर टीम में आप रिस्की प्लेयर लोगे, इससे क्या होगा जो इम्पोर्टेंस प्लेयर है आप उनको नहीं ले पाओगे अपनी टीम में, जो शायद आपको लगता है या फिर आप हर टीम में जो है थोड़ी ना थोड़ी आपकी गलती होगी जिससे आप ग्रैंड लीग मिस करोगे।
तो मैं आपको यही बताता हूँ, हमेशा जो है ग्रैंड लीग के लिए फोर्थ टीम इनाफ होती है। अगर आपका जो है फोर्थ चार नंबर एक से लेकर चार नंबर तक टीम अगर आपका अच्छा परफॉर्म नहीं किया ग्रैंड लीग में, तो आप चाहे 10 क्या 100 भी टीम बना लीजिए तो भी आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे, सही है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप जो फोर्थ टीम बनाओगे वो कैसे फोर्थ टीम बनाओगे। पहला टीम जो बनाओगे, टीम ऑन जो बनाओगे, वो आप बैटिंग फ्रेंडली हिसाब से बना लीजिए। पहले टीम का जो दो टीम होता है ना, पहले टीम का आप ज़्यादातर बैट्समैन और ज़्यादातर बॉलर ले लीजिए। अगर वो टीम जीते तो अच्छा, उनका बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा और ऊपर से उनका जो है बॉलर परफॉर्म अच्छा करेगा, तो वो टीम जीत जाएगा। दूसरा जो टीम बनाओगे आप जो है ऑपोजिशन को ले लीजिए, ज़्यादा बैट्समैन और बॉलर उनके ले लीजिए। अब जो तीसरा जो है उनमें आप बॉलर ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादातर 5 बॉलर 4 बॉलर ले लीजिए ताकि आपका टीम जो है बैलेंस रहे। अगर बॉलर्स ने ज़्यादा पॉइंट दिया है तो यहाँ पे आप नंबर 3 पे जीत जाओगे। अगर इंडिया, अगर सपोज हम लोग करते हैं टीम ऑन पे इंडिया और इंग्लैंड खेल रहे हैं, तो इंडिया अगर जीत गए तो इंडिया के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आप टीम ऑन से जीत जाओगे। अगर इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म करता है इंडिया के साथ खेल के, तो इंग्लैंड ने इंग्लैंड के आप आपने जो इंग्लैंड के बैट्समैन को ज़्यादातर लिया है, तो आप शायद टीम टीम टू से जीत जाओगे। और अगर बॉलिंग अच्छा परफॉर्म करती है एक टीम की, मतलब इंडिया की, तो बॉलिंग अगर बैट्समैन से ज़्यादा परफॉर्म करती है तो नंबर 3 टीम पे आप जीत जाओगे। और इंग्लैंड की अगर बॉलिंग अच्छा परफॉर्म करती है इंग्लैंड के बैटिंग से, तो आप यहाँ पे जो है बॉलिंग से जीत जाओगे। तो यही फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। अगर आप 10 टीम लगाओगे तो आप अपना पैसा ही वेस्ट करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।